don't forget to click on bell icon to get all latest updates. मौत पर किसी का बस नहीं, मौत की बात इसलिए क्योंकि अगर 20 फरवरी को एक्ट्रेस जिया खान जिंदा होती तो अपना 31st बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती। जिया खान ने अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी 2013 में। उस वक्त सबको निशब्द कर दिया था जब उनके मौत की खबर आई, तब वो सिर्फ 25 साल की थी। बता दें, जिया 2013 में 3 जून को अपने घर पर मृत पाई गई थी। उन्होंने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, लेकिन उनकी मां ने अदालत में जिया के खास दोस्त सूरज पंचोली के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि जिया सूरज के साथ पिछले 2 दिनों से रह रही थी और उसी दिन अपने घर वापस आई थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। उसने सूरज की वजह से मौत को गले लगाया है। उसी साल अक्टूबर में जिया खान की मां ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया और सीबीआई जांच की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मुंबई की एक अदालत ने जिया के मौत के लिए सूरज के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय कर दिया है और अब इस मामले में तफ्तीश चल रही है। सूरज ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। हाल के वर्षों में एक और मौत काफी चर्चित रही, बालिका वधू सीरियल में आनंदी के किरदार से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी की मौत को भला कौन भूल सकता है। 2016 में जब प्रत्युषा ने सुसाइड किया तब वो सिर्फ 25 साल की थी। तीसरी एक्ट्रेस दिव्या भारती की बात करें तो उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सिर्फ 19 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली दिव्या ने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी। दिव्या भारती ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोबली राजा से ईयर 1990 में की थी, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। ईयर 1992 तक आते आते भारती ने स्वयं को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। 1992 में आई फिल्म दीवाना से दिव्या को स्टारडम मिला। ये शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म थी। चौथी अभिनेत्री का नाम है स्मिता पाटिल। 13 दिसंबर 1938, 13 दिसंबर 1986 को सिर्फ 31 ईयर्स की उम्र में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस स्मिता पाटिल का निधन हुआ और बॉलीवुड चौंक गया। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देते ही वो गुजर गई थी। उनका जाना हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नुकसान माना गया। इस कड़ी में एक नाम मधुबाला का भी है। सिर्फ 36 ईयर की उम्र में इस दुनिया के रंगमंच से अपना किरदार निभाकर विदा लेने से पहले मधुबाला ने अपने एक्टिंग से हिंदी सिनेमा के आकाश पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी कि आज भी कई एक्ट्रेस उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं। तो ये थी 5 अभिनेत्रियां जिनकी कम उम्र में ही मौत हो गई और बॉलीवुड से उन्होंने ले ली विदा। Bureau Report, Indian Film History. For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.